So hello everyone, this is B Mohan Kumar and welcome back to my channel. As I have promised in my last video that I will make a previous session about your Assistant Loco Pilot examination. So here I am with the first video that is your strategy to qualify Assistant Loco Pilot examination. जैसे कि आपको पता है हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको पहले एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, ठीक. So this is my first video about that only. So before proceeding, you must know the exam pattern of your Assistant Loco Pilot examination. So first of all, let me tell you the benefit. So आपको क्या क्या benefit मिलने वाला है अगर आप Assistant Loco Pilot की एग्ज़ाम को क्रैक करते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाती है, ठीक. इट मीन्स आफ्टर दैट योर लाइफ विल बी सेट. अगेन आपके ऊपर जो लोग भी डिपेंडेंट होते हैं आप उनको पूरा इंडिया घुमा सकते हो, वो भी फ्री में. अगेन सो आफ्टर गेटिंग दिस जॉब योर सैलरी विल बी अराउंड 50,000 to 1 लाख. अगर आपको बिलासपुर जैसा सिटी में अगर काम करने का मौका मिला तो आपको सैलरी कुछ 1 लाख के आसपास आ जाते हैं ओटी वगैरह मिला के. अगर आपको रांची या पारादीप जैसा सिटी में अगर आपको काम करने का मौका मिला तो मिनिमम तो आपके पास 50,000 से 60,000 तक आ ही जाएंगे हाथ में. अगेन अगर आप ये नौकरी करते हो तो आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा. मेरे ख्याल से हमारे लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक. मेरे ख्याल से हम मिडिल क्लास वालों के लिए यही सब चीज़ें बहुत मीनिंगफुल होते हैं, ठीक. सो नेक्स्ट वी शुड मूव टुवर्ड्स द सिलेबस पार्ट. अगर आपको लोको पायलट के एग्ज़ाम क्रैक करने होंगे देन यू विल फेस 2 नंबर ऑफ CBT एग्ज़ाम. CBT मीन्स इज योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. सो दिस इज योर CBT 1. इट विल कंसिस्ट ऑफ योर 4 सेक्शन दैट इज योर मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर. सिमिलरली दिस इज योर CBT 2. लेट मी क्लियर दिस CBT 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली. अगर आप CBT 1 क्रैक करते हो तभी जाके आपको मौका मिलेगा CBT 2 में बैठने के लिए. लेकिन इसमें जो भी मार्क आप सिक्योर करोगे इट विल नॉट काउंटेड इन योर मेन एग्जाम. सो CBT 1 कंसिस्ट ऑफ योर 4 पार्ट: मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड करेंट अफेयर. फ्रॉम मैथमेटिक्स आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. अगेन फ्रॉम रीजनिंग देयर आर 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन. सिमिलरली फ्रॉम जनरल साइंस you will face 20 number of question and from current affair you will get 10 number of question. It means approx 75 number of question which will allocated as 75 mark और आपको 1 घंटे में ये एग्ज़ाम देना होगा. और मेरे ख्याल से इसका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा इसका लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा कम होगा as comparison to your CBT 2. सो अगेन CBT 2 में आप देख सकते हैं कि आपको 2 पार्ट में एग्ज़ाम देने होंगे, पार्ट 1 और पार्ट A. इट विल टेक अप्रॉक्स 1 hour and 30 minutes एंड पार्ट B के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा. सो पार्ट B में क्या होगा ना, आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चुने होंगे लाइक योर फिटर, इलेक्ट्रिशियन, देन योर डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है. तो इनमें से किसी एक के ऊपर आपको एग्ज़ाम देना होगा. और पार्ट A में जो भी बस आपका सिलेबस था आपके CBT 1 में, सो सेम सिलेबस इन योर CBT 2 इन पार्ट A, बट इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा हाई रहेगा, ठीक. सो इसमें और एक इम्पोर्टेंट रोल होता है ये बेसिक साइंस का, ठीक. और ये बेसिक साइंस में से CBT 2 में आपको कुछ 40 मार्क का क्वेश्चन आएगा. सो इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एग्ज़ाम से पहले. हाँ, अभी के लिए मैं आपका सिर्फ ये मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी कवरअप करूँगा और बाकी ये जो होगा आपका करंट अफेयर वगैरह, इसके लिए आप चाहो तो द हिंदू न्यूज़पेपर आपको थरोली स्टडी करने होंगे. नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किसी सोर्स से आपको बेटर नॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक. लेकिन हो सके तो बीच बीच में मैं ये जनरल साइंस के ऊपर भी बस वीडियो बनाऊंगा. हाँ, और एक चीज़, इसमें 1/3 मार्क का एक नेगेटिव मार्किंग होता है. अगर आप किसी पे भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आप कुछ गलत जवाब देते हो तो फिर इसमें आपका 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाता है. हाँ, अभी मैं आपको एक लेवल ऑफ कंपटीशन के ऊपर थोड़ा सा बात करता हूँ आपके साथ। इसमें लगभग कुछ 50 से 55 लाख नंबर ऑफ कैंडिडेट हैव अप्लाइड हियर फॉर दिस असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम। और पोस्ट कितने हैं? सिर्फ 5,700। सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। सो अगेन, अगर आप देखे होंगे अभी हाल ही में बस एक मूवी आई थी ट्वेल्थ फेल। सो उसको देखने के बाद बहुत सारे यूथ ये सोचते हैं कि इन इंडिया इफ़ यू विल क्रैक यूपीएस मीन्स यू विल बी नेक्स्ट टू गॉड, ठीक। लेकिन अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ 10,000 बच्चों में से किसी एक क्वालिफाई करता है आपका यूपीएससी एग्ज़ाम में, और जो भी क्वालिफाई करता है सब बस उसी का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक। लेकिन जो बेचारा जो रह जाता है पीछे उसको कोई नहीं पूछता है, ठीक। सो मेरे ख्याल से अगर आपको तैयारी करना है तो बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करो, ठीक। और इंटरनेट में तो आजकल का डिजिटल ज़माने में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन इन योर यूट्यूब, गूगल, वेयर एवर यू विल सर्च। सो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर बस ज़बरदस्त तैयारी करो। बट मेरे ख्याल से ये जो 50 या 55 लाख जो बच्चे अप्लाई किए हैं उनमें से सीरियस होंगे सिर्फ 30 से 35 लाख, बाकी वो जो 10-15 लाख बच्चे ऐसे ही बस अप्लाई कर दिए होंगे, हाँ बस कुछ व्याख्यान से निकला है चलो कोशिश करते हैं। सो एनीवे, सो लेट्स मूव टू द इट्स कंप्लीट सिलेबस पार्ट। In mathematics you will get the question from this part. This is your B bodmas, decimal, fraction, LCM, HCF, ratio, proportion. चाहो तो बस आप इसका फोटो ले सकते हो। Then percentage, mensuration, profit and loss, time and work, speed, distance, time, simple and compound interest, algebra, geometry, trigonometry, elementary statistics, square root, age calculation, calendar and clock, pipes and cistern, etc. Listen, आपको हर 1-2 दिन में एक एक सब्जेक्ट में कवर अप करूँगा, ठीक। देन सेकेंड आपका जो रीजनिंग पार्ट से आएगा आपका एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिम, जॉम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, similarities and difference, analytical reasoning, classification, direction, and again statement and argument and assumption, etc. So from this general science your physics, chemistry, biology, life science and environment. Again from this general awareness part, this is your national and international event, history, science and technology. So this is your current affair part. Personality, news, book and author, geography, award and honor, art and culture, polity, economy, sport. हाँ, अगर मुझे मौका मिला तो ये polity itself ए ह्यूज टॉपिक, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये polity के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा सिर्फ करंट अफेयर में। सो दिस इज़ फॉर योर CBT 1 ओनली। देन फॉर CBT 2 मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग हैव same syllabus or same content, but from this basic science and engineering point of view you will get question from your engineering drawing, and again it will cover up from this projection, view, drawing, instrument, lines, geometric figure, symbols, representation, etc. Again your unit, measurement, mass, weight and density, similarly work, power and energy, speed and velocity, heat and temperature, basic electricity, levers and simple machine, occupation, safety and health, environment, education, IT literacy. So here I will cover only mathematics and reasoning part. But during the CBT exam, अगर आपको ये basic science से जो भी आपका question आएगा आप उसको खुद से तैयारी करो, और वो जो आता है आपका current affair वो भी आप खुद से तैयारी करो। लेकिन एग्ज़ाम से 7-8 दिन पहले मैं आपको एक करंट अफेयर का एक जो भी होता है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट डेट जैसे होता है, मान लीजिए कि जो महीने आपका एग्ज़ाम होगा उससे 2 महीने पहले और 2 महीने बाद, यही जो 5 महीने से मिनिमम 1-2 इम्पोर्टेंट डेट आ ही जाता है, तो वो सब लेके मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना के मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, आप चाहो तो उसका भी हेल्प ले सकते हो। और CBT 2 के दौरान CBT 1 का तो सारे के सारे पार्ट मेरा कवर हो चुके होंगे, सिर्फ ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक, सो नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू आपको एग्ज़ाम क्रैक कैसे करने होंगे। ठीक, देखो आपको मैथमेटिक्स में यहाँ पर लगभग 20 चैप्टर हैं, और हाँ यहाँ पे एक छूट गया है जो कि आपका RRB के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स हो गया, अगेन आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो गया। बस ये दोनों चैप्टर से मतलब कहीं पे मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। सो आई विल कवर दैट पार्ट टू। सो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको आज के डेट में सबसे पहले देखिए हार्ड वर्क सब करते हैं, ठीक, लेकिन हार्ड वर्क की ज़रूरत हमें है नहीं, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। जैसे हर दिन हम 3-4 घंटे का काम करेंगे, लेकिन उसमें हम कवर अप करेंगे कुछ 7-8 घंटे का जो भी कंटेंट होगा। सो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, मान लीजिए एक ग्रुप होगा आपका, जैसे 4-5 बच्चे आप एक ग्रुप हो जाइए और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। देख मैं आज एप्टीट्यूड ले रहा हूँ, तू रीजनिंग ले, नहीं तो सुन तू करंट अफेयर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर, मैं तुझे एप्टीट्यूड समझाता हूँ, तू मुझे करंट अफेयर बताना। और चाहो तो आप मैथमेटिक्स से भी बस आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो आपस में। जैसे कि मैं ये चैप्टर 1-2 लेता हूँ, तू 2-3 ले, तू 4-5 ले, बस ऐसे करके आप में मतलब अगर आप ग्रुप स्टडी करोगे तो फिर बस मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकता है, वो भी कम टाइम में। सो अगेन लेट मी टेल यू, अगर आप एग्ज़ाम में फेल होते हो ना, कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन अभी जो 3-4 महीना जो है आप अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि सो हिस्ट्री इज़ ऑलवेज रिटन बाय मेंशनिंग द विनर एज ए हीरो। जो ज़िंदगी में हार जाता है उसको कोई पूछता नहीं है। जैसे मैं आपको बोला थोड़ी देर पहले कि 12th फेल एग्ज़ाम में जो एक को जो यूपीएससी जिसने क्लियर किया बस उसी के ऊपर मूवी बन गया, लेकिन बाकी जो 10,000 में से 9,999 बच्चे जो बच गए तो फिर उनको कोई नहीं पूछता। वो बस गांव में जाके कोई खेती करता है, ठीक है, कोई किराना शॉप करता है। तो आप समझ सकते हो गांव में किराना शॉप करने के लिए भी आपको एक बड़ी लेवल के कंपटीशन चाहिए। सो यहाँ पर तो हम जिंदगी बना रहे हैं, कंपटीशन तो होगा ही। सो एनीवे, अगर आप देखोगे ये सारे के सारे कंटेंट आपको इस किताब से मिल जाएंगे। एक्चुअली मार्केट में मेरा 12 से 13 किताबें हैं, आप चाहो तो मेरा ये वाला किताब भी खरीद सकते हो। बेसिकली ये किताब माहौल के तरफ से ये वाला पब्लिश हुआ था, नहीं तो मैं सारे के सारे चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब में समझाऊँगा, आप चाहो तो मुझे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरा जो सबसे जो पहला टिप्स है, आपको हमेशा रात को 8 घंटे सोने हैं, और सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल को आपसे मिनिमम 10 फीट दूरी में रखना है आपको, ठीक। अगेन, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। देखो बस ये एक बेहतरीन पॉइंट होता है। अभी आपका 50 लाख बच्चे आपका तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ 5,000 समथिंग पोस्ट है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सबको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन जो भी नौकरी, जिसको भी बस नौकरी मिलता है, आप तो कोशिश करोगे कि आपको मिल जाए। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो उसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, उससे पहले आपको तैयारी करना है, ठीक। सो आई हैव मेंशन हियर, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट and ready for the worst. So from next day onwards, I mean हर 2 दिन में एक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा मेरा कंटेंट तो आप लाइक कर सकते हो। अगेन आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो, जब भी बस मैं नया नया वीडियो बनाऊँगा आपके पास पहुँच जाएगा। Again, if you have any more valuable suggestion, you can share it in the comment section. So thank you. So thank you for watching. Thank you everyone. This is B Mohan Kumar. साइनिंग ऑफ। जय जगन्नाथ।